हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलाइटेड डिशेस विद अजीना। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल्स पुलाव और ऑनियन रायता। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। पुलाव के लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल। तेल आप कोई से भी ले सकते हैं। लेंगे 3 तेज पत्ते, 5 छोटी इलायची और 5 लिया है मैंने लौंग। मिक्स कर देंगे। लेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 प्याज हल्की भून चुकी है, देखें। अब लेंगे आधा कप बारीक कटी हुई गाजर, 1/2 कप हरी मटर, कर देंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी चावल। चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है। लेंगे 2 कप चावल। सब्जियाँ और चावल के आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छे से चलाते हुए थोड़ी देर भुनेंगे सब्जियाँ और चावल को एक साथ। हाई फ्लेम में थोड़ी देर चलाते हुए सब्जी और चावल को भूनेंगे अच्छे से। थोड़ी देर हमने भून लिया है। मैंने लिया है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में सूखा नारियल का गोला पतले पतले स्लाइस करके तरह से कट किया है, ठीक है। और मैंने लिए है 20 बादाम और 20 काजू को भी 2 हाफ में कट कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से कोई से भी ले सकते हैं। अच्छे से कर देंगे मिक्स। लेंगे नमक स्वाद अनुसार। लेंगे 1/2 चम्मच चीनी। हल्के से मिठास अगर हो पुलाव में तो अच्छा लगता है। अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब लेंगे पानी। पानी आपको चावल के जगह के हिसाब से लेना है। अब ढक्कन लगा के पुलाव को पकने देंगे। जब तक पुलाव तैयार होता है एक साइड में पनीर फ्राई करेंगे। मैंने लिया है 150 ग्राम पनीर। पनीर को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब पनीर को फ्राई करेंगे। पैन में लिया है तेल। तेल गर्म हो चुका है। पनीर को फ्राई कर देंगे। इस तरह से एक एक पीस पनीर डालेंगे। पनीर को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। पनीर एक साइड से फ्राई हो चुका है, दूसरी तरफ पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी फ्राई करेंगे पनीर को। पनीर दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। पनीर को निकाल देंगे बाहर। कुकर की सीटी लग चुकी है। आइए पुलाव भी चेक करते हैं।
पुलाव अच्छे से पक चुका है, ठीक है, इसको सर्व करेंगे। पुलाव को हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब ये ऊपर से डालेंगे ये पनीर जो हमने फ्राई किया था। थोड़े से मिक्स कर लेंगे। हमारा पुलाव तैयार हो चुका है, अब पुलाव के साथ खाने के लिए हम तैयार करेंगे रायता की। पुलाव के साथ खाने के लिए हम बनाएंगे अनियन रायता। अनियन रायता के लिए मैंने लिया है फेटा हुआ आधा कप दही, लेंगे आधा स्लाइस किया हुआ प्याज, नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से कर देंगे मिक्स। अगर आप तीखा खाते हो तो रायता में मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये रायता तैयार है पुलाव के साथ सर्व करने के लिए। तो बनके तैयार है हमारा वेजिटेबल्स पुलाव और अनियन रायता, प्याज की रायता। कैसा लगा आपको ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।